हरिओम। बापूजी कहते हैं एक एक बालक ईश्वर की अनंत शक्तियों का एक पुंज है। आवश्यकता है केवल उन्हें सही दिशा देने की। इंडोनेशिया, जकार्ता, ईरान, तेहरान, भूटान, थिम्पू, भारत, दिल्ली, चीन, बीजिंग और नेपाल। यह है अनन्या, जिसकी आयु केवल 3 वर्ष है, लेकिन उसकी गजब की स्मृति शक्ति देखकर सभी हैरान हैं। उसे सभी देशों की राजधानियों के नाम मुंह ज़बानी याद हैं। जब अनन्या 2.5 साल की थी, तब उसे स्टेट लेवल कंपटीशन में कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा द्वारा सम्मानित किया गया। फिर कैथल के DC सुजान सिंह ने भी उसे सम्मानित किया। और देखिए पेपर से पहले याद भी नहीं कर रही है, है ना? अभी हाल ही में कैथल के जाने माने माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई कोरोना से जुड़ी ऑनलाइन प्रतियोगिता में सभी को जवाब देकर हैरान किया। स्कूल के मुखिया ने खुश होकर 12वीं तक की मुफ्त पढ़ाई की घोषणा कर डाली। अनन्या की माताजी बताती हैं कि यह सब बापूजी की ही कृपा है जो आज अनन्या इतनी सफल हो रही है। प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप सभी साधकों एवं सर्व साधारण जनों को यह बताना चाहती हूँ कि पूज्य देव की कृपा कितनी अपार है। गुरुदेव के बताए गए नियमों का अगर पालन किया जाए तो व्यक्ति कितना महान बन सकता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ये मेरी बच्ची है जो प्रेगनेंसी के समय मैंने पूज्य स्त्री के द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया। उसके बाद सामान्य डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके लिए गौमूत्र का रस लिया, गुरुदेव के बताए गए नियमों के द्वारा ही रस लिया। उसके बाद बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि 7 बार ओम 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 करके ओम अश्मा भव, ओम परशुभ, ओम हिरण्यमस्तु भो, ये भी इसके कान में कहा गया। उसके बाद इस कारण इस बच्ची की बुद्धि बहुत ही कुशाग्र है। और फिर ये जब 2 साल, 1.5-2 साल की हुई, बोलना ही स्टार्ट किया था इसने, तभी से माता पिता को हरिओम मैंने करना सिखाया, तभी से ही हरिओम सुबह उठ करके अपने आप करती है। और उसके बाद ये 2 साल के बाद ही तुलसी के 5 पत्ते सुबह और ओमकार का गुंजन, ये सूर्य को अर्घ देना, ये सारे नियमों का पालन करती है, जिससे इस लड़की की बुद्धि बहुत ही कुशाग्र है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप भी गुरुदेव के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें तो आप भी बहुत ही महान बन सकते हैं।